इस रोल को करने में 0% प्रेशर था, क्योंकि मैं बाबा के संपर्क में पिछले 50 साल से हूँ। तो मैंने बाबा को अपने बचपन से देखा है, जाना है, समझा है, उनका आशीर्वाद लिया है, तो मुझे ज़रा भी कठिनाई नहीं हुई। मेरे डायरेक्टर को ज़रूर कठिनाई हुई होगी, क्योंकि मेरा काम एक्टिंग नहीं है, तो तमाम उससे गलतियां हो रही होंगी। तो अगर आप विकी रानावत जी का इंटरव्यू लेंगे तो वो बताएंगे कि कितना प्रेशर था उनको। मैंने तो बहुत आनंद लिया, और साथ में बाबा का आशीर्वाद भी हमारे साथ है, उनकी कृपा हमारे साथ है, तो बहुत सुंदर एक फिल्म बन के तैयार है। इसे आप सब देखिए, इसका आनंद लीजिए और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। मुझे शायद इसीलिए लिया गया कि एक गरिमामय व्यक्तित्व का रोल मैं निभा सकता हूँ, इसीलिए मुझे लिया गया। और मैंने प्रयास भी किया कि मैं उसको बहुत मेहनत से करूं। बाबा के हाव भाव मैंने देखे हैं, बाबा किस तरह से चलते हैं, बाबा किस तरह से सबसे बात करते हैं, तो उस सब को ध्यान में रख के मैंने इस फिल्म में काम किया। बाबा के फॉलोअर्स में सचिन तो हैं ही, ना जाने और कितने लोग हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं ऐसे ही सत्य साई बाबा का भक्त था और उनको साथ मैं बहुत बार मिल चुका हूँ, और अनूप जी तो साक्षात लग रहे हैं, सत्य साई बाबा घर है और उनका आशीर्वाद। बस उनको साई राम लेके आज आप लोग पिक्चर का फर्स्ट लुक देख रहे हैं, तो मेरा हिसाब से पिक्चर बहुत अच्छा बनाया है विकी जी ने, विकी राना जी, प्रोड्यूसर बालकृष्ण जी, सब मिलके बहुत अच्छा हुआ। मैं तो एक गाना किया टाइटल सॉन्ग, बट बैकग्राउंड म्यूजिक माय सन हैज कंपोज, बप्पा लहरी। तो एनीवे, पिक्चर इज़ वेरी गुड, आई हैव सीन द फिल्म।